हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे हेक्सा ब्लेड। हेक्सा पर एक वीडियो पहले बन चुका है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप वीडियो देखिए। और उसमें हेक्सा, हेक्साइन और हेक्सा के फ्रेम के बारे में बताया गया है, तो आज बात करेंगे हेक्सा ब्लेड की। तो ये हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम के आगे एक विंग नट लगा होता है, ये पूरा हमारा एडजस्टेबल होल्डर होता है, ये फिक्स होल्डर होता है, यहां से हम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ये ब्लेड होती है, ब्लेड में यहां पे हमारे होल होते हैं, प्रॉन्च होल कहते हैं। इन होल के बीच की दूरी ब्लेड की लंबाई होती है, जैसे यहां पे ले रखी। ब्लेड के ऊपर बी आकार में टीथ कटे होते हैं, इन दोनों होल के बीच की दूरी ब्लेड की लंबाई होती है। ये ब्लेड के होल को रिटेनिंग पिन में फिक्स कर दिया जाता है और फिर ब्लेड को विंग नट की सहायता से टाइट वे ढीला कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्लेड हमारे कौन से मेटल की बनाई जाती है। ब्लेड हमारे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और लो अलॉय स्टील की बनाई जाती है। अलग अलग इसकी हार्डनेस होती है। यदि हाई कार्बन स्टील में बात करें तो हार्डनेस 59 से 62 HRC होती है, हाई स्पीड स्टील में 61 से 65 HRC होती है और लो अलॉय स्टील में 62 से 65 HRC होती है। जब भी हम हेक्सा से हेक्साइन करते हैं तो हमेशा पदार्थ को, जो भी पदार्थ होगा उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट करेगा और रिवर्स स्ट्रोक में कट नहीं करेगा। तो दाब हमेशा हमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना है, रिवर्स स्ट्रोक में हमें दाब नहीं लगाना है। उसके बाद जब भी हम ब्लेड को फिट करते हैं फ्रेम पर, तो इसके जो दांतों के जो झुकाव होना चाहिए वो विंग नट की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए? विंग नट की तरफ होना चाहिए। और एक स्ट्रोक में, मतलब कि एक मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक होने चाहिए। जब भी हम एक्सा से एक्साइन करेंगे तो 22 पर जब हम जॉब को क्लैंप करेंगे तो 22 से जहां पर हम एक्साइन करेंगे वो डिस्टेंस 6 mm की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सा का विवरण होता है कि पहले एक्सा की लंबाई आती है, फिर चौड़ाई आती है, फिर मोटाई आती है और फिर पिच आती है। पिच का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक्सा होती है, ये एक्सा के दांत है, तो दो दांतों के बीच की दूरी, मतलब ये दांत एक हमने यहां से ले लिया और ये दांत यहां से ले लिया, तो इन दांतों के जो बीच की दूरी होगी वो हमारी पिच कहलाती है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में इसका स्पेसिफिकेशन विवरण लिखते हैं। तो लंबाई इसकी 250 mm या 300 mm होती है, चौड़ाई इसकी 13 mm या 16 mm होती है, मोटाई इसकी 0.63 mm या 0.80 mm होती है, पिच की बात करें 0.8 mm वाली पिच होती है, 1 mm की भी पिच होती है, 1.4 mm की भी पिच होती है और 1.8 mm की भी पिच होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हेक्सा ब्लेड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की हमारी हेक्सा ब्लेड होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल हेक्सा। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड में क्या होता है कि जो हमारी ब्लेड होगी उसके जो दांते होंगे इनको हार्ड और टाइम किया जाता है, बाकी जो हमारी पूरी ब्लेड होती है उसको सॉफ्ट रखा जाता है। तो जो ये ब्लेड होती है वो झटके सहन कर सकती है और आसानी से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी होती है ऑल हार्ड। ऑल हार्ड का मतलब होती है कि इसमें जो ये हमारे होल होते हैं, प्रॉन्ज होल होते हैं, इनको छोड़कर पूरी ब्लेड को हार्ड वे टैंप कर दिया जाता है। तो इसमें होते ये ब्लेड झटके सहन नहीं कर सकती, इसका प्रयोग जब भी करते हैं तो बहुत केयरफुली इसका प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद में आती थर्ड फ्लेक्सिबल सेंटर। ये फ्लेक्सिबल ब्लेड थी, ये फ्लेक्सिबल सेंटर ब्लेड है। तो इसमें क्या होगा कि दांते
और जो पीछे वाला सिरा होता है, एक तो दांते और पीछे वाला सिरा, इनको हाइड कर दिया जाता है और बीच वाला पोर्शन होता है ये, इसको फ्लेक्सिबल रखा जाता है, फ्लेक्सिबल सेंटर ब्लेड में। उसके बाद में आता है स्प्रिंग टेम्पर। स्प्रिंग टेम्पर में क्या होगा कि इस ब्लेड में ब्लेड के दांतों वाले भाग को, जो दांते वाले भाग है इसको हार्ड कर दिया जाता है, बाकी जो शेष भाग होता है उसको स्प्रिंग टेम्पर बनाया जाता है। ओनली दांते वाले भाग को क्या करेंगे, हार्ड करेंगे, बाकी जो पूरा पोर्शन है उसको स्प्रिंग टेम्पर बनाया जाता है। तो ये तो हमारे ब्लेड के प्रकार हो गए कि चार प्रकार की हमारे ब्लेड यूज की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं ब्लेड की ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या होता है कि ब्लेड पर जिस श्रेणी में पिच वाले दांते कटे होते हैं, मतलब कि ब्लेड पर कौन सी श्रेणी में पिच वाले दांते कटे, कौन सी पिच के दांते कटे हुए, उनकी पिच कितनी है। पिच मतलब कि दो दांतों के बीच की डिस्टेंस, तो कौन सी पिच के दांते हैं उसे हम ब्लेड की ग्रेड कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप्स में कि कोर्स ग्रेड। कोर्स ग्रेड में हम बात करते हैं कि जो 14 दांते होते हैं एक इंच में, एक इंच में कितने दांते होते हैं, 14 दांते होते हैं, तो इसका पिच निकल के आ जाएगा 1.8 mm। इसका पिच कितना निकल के आ जाएगा, 1.8 mm आ जाएगा। इसका उपयोग हम हमेशा करेंगे मुलायम धातु में या मोटी धातु को काटने के लिए हम कोर्स पिच वाली ब्लेड का यूज करते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है मीडियम। मीडियम में एक इंच में दांतों की संख्या 18 होती है, इसकी पिच 1.4 mm आती है। इसका उपयोग माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन की कटिंग में किया जाता है। अगला आता है फाइन पिच। फाइन पिच में एक इंच में 24 दांते होते हैं, लगभग इसकी पिच 1 mm आती है। इसका उपयोग मीडियम कार्बन स्टील की कटिंग में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि वेरी फाइन पिच। इसमें एक इंच में दांतों की संख्या 32 होती है, इसकी जो पिच आती है वो 0.8 mm आती है। इसका प्रयोग हार्ड धातुओं में या पतली जो चद्दर होती है, सीट मेटल होती है, उनकी कटिंग में या पाइप की कटिंग में, पीतल की जो ट्यूब होती है, जितनी भी हमारी ट्यूब होती है उनकी कटिंग में वेरी फाइन जो ग्रेड की जो पिच होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई ग्रेड के अकॉर्डिंग हमारी ब्लेड के टाइप, ब्लेड का डिवाइडेशन हो गया कितने प्रकार की हमारी ब्लेड होती है। एक बात और याद रखना कि जो हमारी ब्लेड के दांते होते हैं वो बी आकार के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एंगल रखा जाता है, उसमें रैक एंगल रखा जाता है। कौन सा एंगल, रैक एंगल। जैसे हम बात करें कि जैसे ब्लेड के दांते हैं, अब ये जो हमारा एंगल हो गया ये 0 degree हो गया। जैसे मैं दूसरा बनाऊं, अब ये जो एंगल हो गया ये हमारा पॉजिटिव एंगल हो गया, और ऐसे जैसे ये वाला एंगल ये नेगेटिव रैक एंगल हो गया। तो ये हमारा 0 rank angle होता है, ये पॉजिटिव रैक एंगल होता है, और ये वाला नेगेटिव रैक एंगल होता है। रैक एंगल का मान 0 to 12 degree तक रखा जाता है। तो जो हमारा 0 rank angle और जो नेगेटिव रैक एंगल, इसका प्रयोग हार्ड पदार्थों की कटिंग के लिए किया जाता है, और जो पॉजिटिव रैक एंगल होता है इसका प्रयोग सॉफ्ट पदार्थों की कटिंग के लिए किया जाता है। कि जैसे मोटी धातु होती है या मुलायम धातु होती है उसकी कटिंग के लिए कोर्स ग्रेड का यूज करते हैं, और जो हमारी कठोर और पतली धातु की कटिंग के लिए फाइन ग्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब भी हम ब्लेड से या एक्सा से एक्साइन कर रहे हैं तो ब्लेड हमारा टूट गया, ब्लेड टूट गया तो नए ब्लेड का उपयोग नहीं करते, पुराने ब्लेड से ही हम कटिंग करेंगे। और जब भी हम एक्साइन करेंगे
तो हेक्साइन करने से पहले ट्रायंगुलर फाइल होती है हमारी, ट्रायंगुलर फाइल से एक बी आकार का ग्रुप बना लेना चाहिए जिससे वहां पे अच्छे से हेक्साइन हो जाएगी। फ्रेम के अंदर हेक्सा ब्लेड को न तो ज्यादा टाइट कसना चाहिए और न ज्यादा ढीला कसना चाहिए, एक मीडियम रेंज पे हमें कसना चाहिए, नहीं तो ब्लेड हमारा टूट जाएगा। उसके बाद में एक टॉपिक और आता है कि हेक्सा ब्लेड पर जो ब्लेड की हमारी सेटिंग, दांतों की सेटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, कि जो हेक्सा ब्लेड होती है उस पर दांतों की सेटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। तो दांतों की सेटिंग क्या होती है, ब्लेड सेटिंग क्या होती है, ब्लेड सेटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब कि ब्लेड पर दांतों की सेटिंग, ब्लेड पर दांतों की सेटिंग सिंपल, या ब्लेड सेटिंग भी इसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लेड द्वारा अच्छी कटिंग के लिए जो दांते होते हैं उनको दाएं फे बाएं मोड़ने को, दाएं वे बाएं मोड़ने को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड की सेटिंग बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, ऐसा करने से एक तो हमारी जो कटिंग क्रिया है वो बहुत आसान हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, और जो जॉब होगा, जॉब और ब्लेड के बीच में घर्षण कम होगा, यदि जॉब और ब्लेड के बीच में घर्षण कम होगा तो वहां से ताप कम उत्पन्न होगा, हीट कम होगी तो ब्लेड हमारी जल्दी टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में हमें एक अच्छा क्लियरेंस भी मिल जाएगा, क्लियरेंस का मतलब कि जितनी हमारी ब्लेड की मोटाई होती है उससे ज्यादा मोटाई उसके दांते होते हैं, क्योंकि यदि यहां पे ऐसे यदि ब्लेड हमारा कटिंग करेगा तो यदि दांतों की मोटाई कम होगी तो ब्लेड फंस जाएगा, तो दांतों की मोटाई जो ब्लेड की मोटाई होती है उससे ज्यादा मोटाई में कटिंग करता, इसलिए भी ब्लेड के दांतों की सेटिंग होना आवश्यक है। उसके बाद में क्या होता है कि ब्लेड के यदि दांतों की सेटिंग नहीं करे, ब्लेड के दांतों की सेटिंग नहीं करे तो जितनी ब्लेड की चौड़ाई होती है उससे आधी गहराई में भी दांत कटिंग नहीं कर सकती, मतलब कि ये ब्लेड की चौड़ाई होती है इससे आधी गहराई में भी, मतलब कि 7 से 8 mm तक भी ब्लेड कटिंग नहीं कर सकता, उससे पहले ही ब्रेक हो जाएगा, इसलिए दांतों की सेटिंग होना बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि ब्लेड में दांतों की सेटिंग किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों की सेटिंग में कि स्टगर्ड सेट। अब स्टगर्ड सेट में क्या होगा कि या तो एक दांता लेफ्ट में होगा या एक दांता राइट में होगा, या ऐसे बोल सकते हैं दो दांते लेफ्ट में होंगे और दो दांते राइट में होंगे। इनके बाद जो भी दांत आएगा वो सीधा रखा जाएगा, सीधा इसलिए रखा जाएगा इसके बाद या इसके बाद, क्योंकि जब कटिंग करेगा, कटिंग करने के बाद यदि लकड़ी की कटिंग कर रहा है या किसी भी पदार्थ की कटिंग कर रहा है तो उसके कण बाहर तो निकलेंगे ना, तो वो सीधे पीस से बाहर निकल जाएंगे। तो या तो एक दांता स्टगर्ड में क्या होगा, एक दांता राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा, दो राइट में होंगे या दो लेफ्ट में रखे जाएंगे, कौन से सेट में, स्टगर्ड सेट में। जो हमारा स्टगर्ड सेट होता है इसका प्रयोग जहां पर जो ब्लेड के दांते 1 mm से अधिक वाली पिच के होते हैं वहां पर स्टगर्ड दांतों की सेटिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि बेबी टीथ या बेबी सेट, इसमें क्या होते हैं दांते थोड़े लहरदार बनाए जाते हैं, दांते थोड़े लहरदार बनाए जाते हैं, इसका उपयोग 0.8 mm वाली पिच वाली थ्रेड में, वो पिच वाली ब्लेड में किया जाता है, इसका उपयोग 0.8 mm
पिच वाली ब्लेड में किया जाता है। मतलब कि जो बेबी जो हमारा सेट होगा उसका उपयोग डायरेक्ट बोल सकते हैं पतली जो हमारी सीट्स होती है ट्यूब्स होती है उनकी कटिंग के लिए किया जाता है। एक हमारे बच जाता है 1 mm पिच, वहां पे बेबी और स्टगर्ड दोनों का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? बेबी का भी यूज कर सकते हैं और स्टगर्ड का भी यूज कर सकते हैं।